सह वीर्यङ्कर्वा तेजस्विनावधीतमस्तु मिद्विष चरिष्यामि छकेयं केयं तन्मेराध्यता इदमहमनृतात् सत्यमुपैमे शान्दिष्मा शांति ही। कल ब्रह्मा जी भगीरथ जी को बता रहे थे कि आप जो अपने पूर्वज हैं इनकी सलील क्रिया करके इनको जल तर्पण करके जल क्रिया करके अपनी प्रतिज्ञा को यहाँ पूर्ण करें और उन्होंने वैसे ही किया अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण किया और उनके जो पूर्वज थे वो उस गंगा का स्पर्श पा करके देवलोक को चले गए स्वर्गलोक को चले गए और स्वर्गलोक में तब तक रहेंगे जब तक कि सागर में जल रहेगा तो सागर में जल तो सृष्टि जब तक रहेगी तब तक रहेगा सागर का जल तो सूख नहीं सकता है तो इसलिए इस सृष्टि का जितना काल है तब तक उनके पूर्वज स्वर्ग में रहेंगे क्योंकि एक बार जिसको ज्ञान का स्पर्श मिल जाता है तो फिर वो एक बहुत लंबे कालखंड तक फिर उसके ज्ञान का नाश नहीं होता है तो वो जब तक सृष्टि रहती है तब तक वो उस पवित्रता में उस आनंद में ऐसे रहता है और दूसरा बताया था गंगा को त्रिपथगा, तीन पथ में जाने वाली तीन दिशाओं में जाने वाली आकाश में भी पाताल में भी पृथ्वी के ऊपर भी सबको पवित्र करने वाली तो ज्ञान पवित्रतम एक ऐसी स्थिति है जो हर मनुष्य को पवित्र करता है चाहे वो बहुत पाताल की तरह निम्न स्थिति में है उसको भी पवित्र कर देता है मीडियम को भी करता है और जो ऊंचे योगी हैं उनको भी करता है जिनकी आकाश की तरफ गति है तो ये हमने कल यहाँ तक पढ़ा था कल इन्होंने बताया पिता महानाम सर्वेशम तम अत्र मनुज्याधिपुरुष सलिलम राजन प्रतिज्ञाम अपवर्जय जो सारे आपके पितामह पूर्वज हैं हे नरश्रेष्ठ हे राजन सलिलम कुरुष्व प्रतिज्ञाम अपवर्जय उनकी सलिल क्रिया करके अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करें पूर्वकेण हितं ते राजन्ते नातियशसा तदा धर्मीणां प्रवरेणार्थ नैष प्राप्तो मनोरथः तथैवांशुमतवत्स लोके प्रतिमतेजसा गङ्गां प्रार्थयता नेतुं प्रतिज्ञानापवर्जिता राजर्षिणा गुणवता महर्षि समतेजसा मत तोल्यतपसा च दिलीपेना महाभाग तव पितातिजसा पुनर्न शकिता नेतूं गंगां प्रार्थयता नघ प्रतिज्ञा प्रति प्राप्तो सी परमं लोके यशः परमसम्मतम् पूर्वकेण ही थे राजन हे राजन ते पूर्वकेण पूर्वकेण पूर्व केण प्रवरण प्रवरेण आपके जो पूर्वज अर्थात इस वंश परंपरा में जो सबसे पूर्व थे अर्थात सगर धर्मिणाम प्रवरेण और धार्मिक लोगों में जो सबसे श्रेष्ठ थे अर्थात परम धार्मिक जो आपके पूर्वज थे राजा सगर यशसा, जो अत्यंत यशस्वी थे हे राजन तेन तेन पूर्वकेण आपके उस पूर्वज के द्वारा जो धर्म जो धार्मिकों में सबसे श्रेष्ठ थे उनके द्वारा भी ये प्रयास किया गया लेकिन नई ऐसा मनोरथ प्राप्त हो, लेकिन उनका मनोरथ पूरा नहीं ला नहीं पाई गंगा को उन्होंने भी सोचा था जब उनको पता लगा कि उनके साठ हजार पुत्रों को शाप के कारण ऋषि ने भस्म कर दिया है तो उन्होंने भी तपस्या की लेकिन वो उसको नहीं ला पाई तथैव अंशुमता वत्स और फिर उनके बाद हे वत्स वैसे ही अंशुमान जो उनके पौत्र थे तथैव अंशुमान अंशुमता अंशुमान के द्वारा हे वत्स जो कैसे थे अंशुमन कैसे थे लोक के अप्रतिम तेजसा जिनका तेज जिनकी तेजस्विता लोक में अप्रतिम जिसको मापा ना जा सके अवर्णनीय अत्यंत उच्च कोटि की तेजस्विता थी वो भी बड़े तेजस्वी राजा थे अंशुमान भी गंगाम प्रार्थयता नेतुम उन्होंने भी गंगा को प्रार्थना करते हुए उसको लाने के लिए गंगा से प्रार्थना करते हुए गंगा की अभिप्सा करते हुए उन्होंने भी प्रतिज्ञा की तपस्या की लेकिन प्रतिज्ञा ना अपवर्जिता लेकिन वो भी अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण नहीं कर पाई ना अपवर्जिता पूर्ण नहीं कर पाई मुक्त नहीं हो पाई उस प्रतिज्ञा से और अंशुमान कैसे है उस उनके वो बता रहे विशेषण बता रही हैं राजऋषि गुणवत्ता महर्षि सम तेजसा ऋषि ऋषि से ऊपर महर्षि महान ऋषि फिर राजर्षि फिर सबसे ऊंचा ब्रह्मर्षि। तो ये उपाधियां उस समय कागज पत्र वाली उपाधियां नहीं होती थी आचरण वाली उपाधियां होती थी जब तक कोई व्यक्ति अध्यात्म विद्या में किसी एक किसी भी एक पदार्थ का साक्षात्कार ना कर ले तब तक तो उसको ऋषि नहीं कहा जाएगा और ऋषि बनना गौरव की बात होती थी जैसे आजकल ग्रेजुएट होना एक साक्षरता की निशानी होती है भी पढ़ा लिखा है तो कम से कम उसने ग्रेजुएशन किया है फिर उससे आगे की डिग्री मास्टर डिग्री एम कर लिया तो वो महान ऋषि सबसे पहले मुनि मौनी मुनि भी एक डिग्री होती थी फिर ऋषि फिर महर्षि डॉक्टरेट कर ले तो राजर्षि उससे भी ऊंची डिग्री और फिर सबसे ऊंची डिग्री मानी जाती थी ब्रह्मर्षि जिसने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया तो पढ़ाई के मापदंड वो वाले थे तब पढ़ाई आध्यात्मिक दृष्टि से कोई कितना उन्नत है वो ही उसकी शिक्षा का पैमाना होता था अब किसको कितने शास्त्र याद हैं या किसके पास कितनी डिग्रियां हैं आजकल तो वो पैमाना होता है कितनी परीक्षाएं किसी ने पास कर ली और उस समय इसीलिए तो देश महान था इसीलिए तो सोने की चिड़िया था जितना ऊंचा जिसका आचरण वो उतना शिक्षित उतना ज्ञानी नहीं तो फिर आजकल तो उल्टा भी होता है जिसको जो अपने आप को बहुत ज्यादा ज्ञानी मानता है वो फिर यम नियमों का पालन करता ही नहीं है वो मनमाना आचरण करता है ऑस्ट्रेलिया में कहीं ना कहीं इसलिए हमारी संस्कृति के सबसे नजदीक कोई विदेश है तो वो ऑस्ट्रेलिया है जैसे तीन चार देशों में तो मुझे जाने का अवसर मिला शेय स्वामी जी महाराज के साथ तो हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसके कोई सबसे नजदीक है यदि तो ऑस्ट्रेलिया वो आचरण करते हैं आज भी वहाँ पर योग्यता के आधार पर लोगों को सैलरी दी जाती है वहाँ पे आपको हुनर क्या आता है यहाँ से कोई एमबीए करके जाए या कोई इंजीनियरिंग की कोई डिग्री लेके जाए और वहाँ दिखाए वो कि देखो मेरे पास ये डिग्री है तो बोले इसको तो फेंक दो एक साइड में आप ये बताओ आपको करना क्या आता है कुछ आता है नहीं आता है अगर आपको कुछ आता है तो आप बिना डिग्री के भी बहुत अच्छी सैलरी वहाँ ले सकते हैं और यदि आपको नहीं आता है तो वो डिग्री आपकी आग जलाने के भी काम नहीं आएगी वहाँ पर क्योंकि वहाँ जरूरत ही नहीं इतने जंगल हैं बिना कागज के आग इतनी लगी कि छः महीने बुझी ही नहीं तो वहाँ छोटा भी हुनर किसी को आता है किसी को ड्राइविंग भी आती है कार चलाना बहुत अच्छे पैसे कमाता है किसी को सफाई करना आता है झाड़ू पोछा उसकी बहुत वैल्यू है वहाँ पर यहाँ सबसे निकृष्ट काम कर माना जाता है झाड़ू पोछा करने वाला उसको बहुत अच्छा माना जाता है और वहां पर कितने भी धनवान बाप माँ बाप का बेटा बेटी क्यों ना हो जैसे ही वो डिग्री क्लास में जाएगा तो वो माँ बाप से यदि पैसे लेके पढ़ रहा है तो उसको हे दृष्टि से देखा जाता है और वो अपनी मेहनत करके यदि पढ़ रहा है तो उसको श्रेष्ठ दृष्टि से देखा जाता है अपने श्रद्धे आचार्य जी के भाई हैं एक वहां पर यदु वो पढ़ाई कर रहा है वहां पर तो वो वहां पर न, चार पांच घंटे हॉस्पिटल में मरीजों की सेवा करके फिर उससे जो उसको मिलता है उससे अपनी पढ़ाई कर रहा है मतलब वो तो चाहे तो उसको तो सहायता दी जा सकती है ना घर परिवार से ऐसे वहां और भी देखे हमने जिन्होंने श्रद्धे स्वामी जी महाराज का शिविर करवाया था तो वो अच्छी सैलरी लेते हैं उनके दो बेटियां हैं तो एक सेकंड ईयर में थी एक फाइनल में थी वो दोनों बेटियां अपना कमा के तब पढ़ती हैं वो माँ बाप से नहीं लेते और कोई ले ले तो उसको बहुत बुरा माना जाता अच्छा नहीं माना जाता मतलब आप महानिकम में हो यदि अपने बाप से लेकर के पढ़ाई कर रहे हो तो ऐसे माना जाता है तो फिर पुरुषार्थ करने की आदत पड़ ही जाएगी और ईमानदारी की आदत पड़ जाएगी उड़ाने की आदत बेईमानी की आदत तभी पड़ती है व्यक्ति को जब वो खुद मेहनत नहीं करता है गलत काम करने गलत काम में मतलब माँ बाप से ले लेते हैं या तो पैसे और फिर उनको गलत गलत कामों में उड़ा देते हैं पार्टियां करते हैं शराब पीते हैं और उल्टे सीधे काम करते हैं जिस दिन अपने मेहनत की कमा के लाएंगे तब खराब नहीं करेंगे गुरुकुल में भी ऐसे ही होता है कुछ लोग तो वहाँ घी पे भी बैठेंगे ना तो कितना भी बड़ा चम्मच हो उसको ऐसा बिखेरते हुए डालेंगे वहां पे और जिस दिन खुद कमा करके घी खरीद के लाओगे ना तब बड़ा देख देख के डालोगे कि उतना ही डालें जितना वेस्ट ना हो अग्नि वहां थोड़ी है उसको खा भी नहीं पा रही सामग्री वहां पर ऐसे भर भर के डालेंगे आधी वहां पड़ी रहती है सब्जियां इतनी सारी डालेंगे फिर खाई नहीं जाती फिर उठा के डाल देंगे जब उसको काटते हैं तो छिलका इतना उतारेंगे कि आधी सब्जी छिलके के साथ ही चली जाए क्योंकि खुद नहीं कमाना पड़ता जब खुद कमाए तब पता चलता है एक एक छोटी छोटी चीज एलोवेरा जूस कैसे पीना है आंवला जूस कैसे पीना है कुछ को तो पता ही नहीं है तो अपना आधा आधा गिलास पी जाते हैं खुद कमा के लाएंगे ना तो दो ही ढक्कन पिएंगे फिर मतलब एक मेंटेलिटी कैसे बनती है आदमी की जब खुद मेहनत करता है तो अलग मेंटेलिटी मैंने बहुत युवाओं को देखा परिवार में भी देखा जो संबंध वो जानकार लोग होते हैं उनको देखा जैसे प्रवास पे जाते हैं ना उन बच्चों को जब वो छोटे थे जैसे टीन में है पढ़ाई करते हैं बोल जी ये बहुत हमारी माताजी कंजूसी करती हैं हमारे पिताजी बहुत लोभ लोभ प्रवृत्ति के हैं इस तरह से करना चाहिए ऐसे ऐसे उनके बड़े बड़े सपने और फिर चार पांच साल के बाद जब गए जब वो कमाने लग गए तो देखा तो पता लगा कि मतलब एक शर्ट भी एक साल में एक ही खरीदते हैं जिनको हर पंद्रहवें दिन नई शर्ट चाहिए होती थी एक महीने में तो अब अपनी कमाई जब आई तो बड़ी अच्छी लगती है और पिता की हो तो पता ही नहीं कैसे कमाया जाता पिता बेचारे ओवर टाइम करते हैं साइड बिजनेस करते हैं डबल ड्यूटी करते हैं किसी तरह भाई इनकी उसमें कोई कमी ना रह जाए तो ये पुरुषार्थ हमारे यहाँ पर भी जो डिग्रियां थी वो कैसे मिलती थी आचरण की श्रेष्ठता से मिलती थी आचरण कितना कितना श्रेष्ठ है तो वो ही पैमाना है शिक्षा का तो कौन ज्यादा शिक्षित है ऐसा ही शिक्षा नीति दोबारा आई तो फिर और कोई अभियान चलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि शिक्षित होते होते ही सब ऐसे सुशिक्षित हो जाएंगे असली अर्थों में शिक्षित हो जाएंगे तो फिर किसी को डांटने की जरूरत नहीं है किसी के लिए पुलिस की फोर्स की फिर कोई जरूरत नहीं है यहां यह बता रहे हैं कि अप्रतिम तेजसा गंगाम प्रार्थयता ने तुम प्रतिज्ञा नापवर्जिता राजऋषिनाम गुणवत्ता राजऋषिणा उस राजी के द्वारा और फिर अगला कहा महर्षि सम तेजसा अंशुमान का तेज कैसा था महर्षि सम महान ऋषि महर्षि के समान तेज था उनका राजा होते हुए भी महान ऋषि जैसे थे अमित तेज वाले थे मत तुल्य तपसा तपस्या में मेरे समान थे किसके समान विश्वामित्र जी के समान वो सुना रहे हैं ना ये कहानी श्री राम को तो इसलिए कह रहे हैं मत तुल्य तपसा तपस्या करने में मेरे समान थे क्योंकि उस समय में विश्वामित्र जी के समान तपस्वी कोई भी नहीं था संसार में तो देखो कितनी अच्छी प्रथा थी हमारे यहाँ लोग होड़ भी करते थे तो किसकी करते थे तपस्या की मेरे जैसा समान कोई तपस्वी ना हो इस धरती के ऊपर मेरे जैसा कोई दानशील ना हो मेरे जैसा कोई सेवक ना हो मेरे जैसा कोई सेवक ना हो हनुमान जी सोचते थे मेरे जैसा कोई दानवीर ना हो कर्ण सोचते थे मेरे जैसा कोई बलवान ना हो अर्जुन भीम सोचते थे सत्य बोलने में सत्याचरण में मेरे जैसा ना हो युधिष्ठिर सोचते थे मेरे जैसा तपस्वी ना हो विश्वामित्र सोचते थे मतलब उनकी कंपटीशन भी ऐसे वाला होता था जो जीवन में काम आई तपस्या करने में कोई मेरे जैसा ना हो सावित्री माता बहने भी भाई भी वो समाज की स्थिति ही ऐसी थी कि जो श्रेष्ठ धर्म का आचरण करने वाले किसी भी फील्ड में उनको सबसे ज्यादा सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था देखा तो आज भी जाता है लेकिन आज उसके साथ साथ धन ऐश्वर्य को ज्यादा महत्व दिया जाता है कोई व्यक्ति धार्मिक है लेकिन गरीब है बेचारा तब उसकी कोई कदर नहीं है और कोई व्यक्ति धार्मिक नहीं है धनवान खूब है तो, तो भी उसकी अधार्मिकता को लोग साइड में करके उसके धन के कारण उसको सम्मान देते हैं उसके ऊपर फूल मालाएं चढ़ाते हैं यत्र पूज्यंते जो नीतिकारों ने बताया वो अभी फलीभूत होते हुए दिखाई दे रहा है तो यहां इनके अंशुमान के कितने गुणों का वर्णन किया जा रहा है पहले भी पढ़ा हमने अंशुमान का तो अभी ये भी बता रहे हैं विश्वमित्र जी कह रहे हैं मत तुल्य तपसा चिव क्षत्र धर्मस्थितेन च और वो क्षत्र धर्म में स्थित थे क्योंकि क्षत्रिय हैं राजा हैं तो राजा का क्या धर्म हो सकता है वो भी उन्होंने पूरी प्रामाणिकता से निभाया तो यद्यपि उनमें इतने सारे गुण थे अप्रतिम तेज था और गुणवता में राजऋषि थे और तेज में महर्षि के समान थे तपस्या में विश्वामित्र के समान थे और राजधर्म में क्षात्र धर्म में सदा स्थित रहते थे इतने महान थे अंशुमान लेकिन गंगाम ने तुम प्रतिज्ञा ना जिता लेकिन गंगा को लाने की प्रतिज्ञा को वो भी पूर्ण नहीं कर पाई अंशुमान भी नहीं ला पाए सगर भी नहीं ला पाए अंशुमान भी नहीं ला पाए और आगे कह रहे हैं दिलीपेन महाभाग तव पिता अति तेजसा तव पित्रा अति तेजसा, था तेजसा। महाभाग दिलीपेन जो आपके पिता थे आपके पिता दिलीप भी कैसे हैं अति तेजसा अत्यंत तेजस्वी उन्होंने भी इनको भगीरथ को गौ माता की सेवा करके पाया था दिलीप ने पहले उनको संतान नहीं होती थी तो किसी ने कहा कि आप तीन साल तक गाय को लेकर के जंगल में जाओ और वो काम धेनु को और जैसे जैसे गाय आचरण करे उसका आप अनुसरण करना तो गाय बैठती तो दिलीप बैठते थे गाय चलने लगती तो पीछे चलने लगते थे गाय सोती तो वो सोते थे गाय खा चुकी होती तब वो कुछ खाते थे तो इस तरह से वो पूरे तीन साल जंगल में ही गाय की सेवा करते रहे और जब तीन साल पूरे हो गए तो फिर धर्म ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए तो शेर का रूप सिंह का रूप बना करके गाय को खाना चाहा तो उन्होंने उसको रोक दिया क्षत्रिय थे उनके पास अस्त्र शस्त्र थे सब दिलीप के पास तो शेर ने कहा कि आप राजा होकर के ये इतना पाप का काम क्यों कर रहे हैं क्योंकि हम तो शेर हैं तो हम कोई रसगुल्ला रबड़ी तो बना नहीं सकते तो मांस खाना हमारा धर्म है हम भूखे हैं तो आपने हमारे को क्यों रोका तो उन्होंने कहा आप भूखे हैं ना तो आप पहले मेरा मांस खा लीजिए क्योंकि मैं इनकी रक्षा में हूं जो जिसकी शरणागति में जो जिसका रक्षक है तो उसका ये धर्म है कि वो जब तक उसके प्राण है तब तक उस रक्षित वस्तु की या स्थान की या व्यक्ति की पहले उसकी रक्षा करे अपने प्राणों के न्योछावर करने के बाद फिर जैसी भगवान की मर्जी है तो क्योंकि इस गाय की रक्षा में मैं इसका रक्षक हूं तो मेरे होते हुए आप गाय को नहीं खा सकते तो आप यदि खाना ही चाहते हैं भूख मिटाना ही चाहते हैं तो ठीक है आप मेरे को खा लीजिए फिर तो तभी उन्होंने फिर अपना धर्म का रूप दिखा करके बताया कि ये केवल आपकी परीक्षा थी कि मृत्यु के समय आप क्या करेंगे जब सामने शेर है मृत्यु है तो आप इसको छोड़ के भाग सकते थे लेकिन आपने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया कोई भी तो जंगल में नहीं देख रहा था तो जाओ आपको जरूर पुत्र की प्राप्ति होगी और आपके पुत्र अत्यंत तेजस्वी धर्मात्मा और युगों युगों तक जिनकी कीर्ति बनी रहेगी ऐसे पुत्र की आपको प्राप्ति होगी तब इनको भगीरथ जैसा पुत्र मिला था तो दिलीप भी कैसे थे अति अति तेजसा आती तेजस्वी थे हे हे महाभाग तव पित्रा अति तेजसा दिलीपे न गंगा प्रार्थयत उन्होंने भी गंगा की प्रार्थना की उन्होंने भी गंगा को लाने के लिए तपस्या की पुनः नेतुम न ने शकिता लेकिन फिर भी वो भी लाने में समर्थ नहीं हुए तो तीनों पीढ़ी में तीन लोगों ने पुरुषार्थ किया लेकिन तीनों के तीनों ही रहे। प्रतिज्ञा को पूरा नहीं कर सके सातिक्रांता प्रतिज्ञा सा प्रतिज्ञा त्वया समतिक्रांता पुरुषर्ष भर नरश्रेष्ठ वो प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा त्वया सम अतिक्रांता आपके द्वारा अच्छी प्रकार से उसका अतिक्रमण कर दिया गया वो प्रतिज्ञा आपने पूर्ण कर दी जो तीन पीढ़ियों से चली हुई थी इसलिए परमम यश लोके इसलिए लोके लोक में तुम परम सम्मतम एक तरफा सब लोग उसकी जय जयकार कर रहे हैं कोई भी आपकी अः अपयश नहीं कर रहा है किसी की भी इसमें दुर्मति नहीं है सम्मतम और लोके परम यश प्राप्त असी आपने परम यश को प्राप्त कर लिया है लोक में एक यश एक सुयश एक परम यश जिसके बराबर और कोई यश नहीं है बहुत बड़ा यश किसी को मिले यशस्वी होना बहुत अच्छी बात है सुयश को पाना उससे भी अच्छी बात है परम यश को पाना बहुत ही बड़ी बात है तो इन्होंने कहा आपने लोक में परम यश को प्राप्त कर लिया है तच्च गंगावतरण त्वया कृतम अरिंदमा अनेन भवान प्राप्तो धर्मस्यायतनम महत प्लावयस्व त्वमात्मानं नरोत्तं सदोचिते सलिले पुरुषश्रेष्ठ शुचिः पुण्यफलो भव पिता महानां सर्वेषां कुरुष्व सलिलक्रियां स्वस्ति ते स्तो गमिष्यामि स्वं लोकं गम्यतां नृप इत्येवं मुक्त्वा देवेश सर्वलोकपितामहः यथा गतम तथा गच्छत देवलोक महायशा भगीरथस्तु राजर्षि कृत्वा सलिलमुत्तम यथा क्रम यथा न्याय सागराण महायशा कृतोदक शुचिराज स्वुर प्रविवेश समृद्धार्थो नरश्रेष्ठ स्वराज्यम प्रशसा तो कह रहे हैं कि जो कोई भी नहीं कर सका उस प्रतिज्ञा को आपने पूर्ण करके आपने एक महान यश की प्राप्ति की है तच्चे गंगा उतरणम कृतम जो कोई नहीं कर पाई वो गंगा उतरण कृतम तुम्हारे द्वारा किया गया तुमने किया उसको तच्चे गंगा त्वया कृतम अरिंदम शत्रु का दमन करने वाले मतलब शत्रु हे शत्रु का दमन करने वाले वो गंगा का अवतरण आपके द्वारा स्वर्ग से उस गंगा को आपके द्वारा उतारा गया भवान प्राप्त धर्मस्य से आयत्नम महत अने इस कर्म के द्वारा इस गंगा के अवतरण के द्वारा भवान धर्मस्य महत आयत्नम प्राप्त इस गंगा को उतार लेने से आपने धर्म के बहुत बड़े विस्तार को प्राप्त किया है बहुत बड़ा धर्म का आपने प्रचार प्रसार किया है तो धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए किसकी जरूरत है संस्कृत पढ़ने की दर्शन पढ़ने की वेद पढ़ने की व्याकरण पढ़ने की नहीं उससे नहीं होगा उससे नहीं होगा उसको जीने की आवश्यकता है तो ये किससे होगा धर्म का प्रचार प्रसार भगीरथ पुरुषार्थ करने से होगा जिस भी काम में आप लगे हैं जो भी भगवान ने आपके लिए नियत किया है चाहे पढ़ाई का किया है योग का किया है आयुर्वेद का किया है संगठन का किया है घर गृहस्थी का किया है बिजनेस व्यापार का किया है दुकान का किया है गौशाला का किया है किसी स्कूल कॉलेज को चलाने का जो भी काम भगवान ने हमारे लिए नियत किया है उस काम में उस फील्ड में चाहे खेती का किया है कोई खेत में लगा है उस काम में क्या करना है भगीरथ पुरुषार्थ तब धर्म का महत्व आयतन होता है धर्म का अत्यंत विस्तार अत्यंत विस्तार किसी के भगीरथ पुरुषार्थ से होता है आज योग का महत विस्तार हुआ है तो उसके लिए श्रद्धे स्वामी जी महाराज को भगीरथ पुरुषार्थ करना पड़ा और आज भी कर रहे हैं मतलब पतंजलि योग पीठ में सबसे ज्यादा अत्यंत कर्मठ कोई सेवक कोई कार्यकर्ता यदि है तो वो श्रद्धे स्वामी जी महाराज है करोड़ों लोगों का संगठन है हजारों लोग यहाँ पढ़ाई करते हैं सन्यासी हैं ब्रह्मचारी हैं उन सब में सबसे ज्यादा कर्मठ सबसे बड़ी सेवा करने वाला कोई व्यक्ति है तो वो श्रद्धा स्वामी जी महाराज हैं पूज्य आचार्य श्री क्योंकि वो आज भी उतना ही रोजाना तीन दिन बिना थके बिना रुके भगीरथ पुरुषार्थ किए ही जा रहे हैं और वो भी श्रद्धा पूर्वक याग्नि समिध्यते, श्रद्धा पूर्वक अग्नि में समिधाएं डाली जाती हैं तो फिर अग्नि प्रज्वलित रहती है वो यज्ञ चलता ही रहता है फिर अगर उसमें समिधा नहीं दी जाएगी सामग्री नहीं डाली जाएगी तो अग्नि बुझ जाएगी थोड़ी देर में जब आचार्य जी मंत्र की चर्चा करते हैं उतनी देर के लिए आहुति डालना बंद हो जाता है हवन कुंड में तो उतनी ही देर में अग्नि बिल्कुल शांत हो जाती है तो फिर जब शुरू करते हैं तो फिर समिधा लगानी पड़ती है फिर घी डालना पड़ता है फिर वो प्रज्वलित तो होती है तो ऐसे जो महापुरुष होते हैं वो ऐसा नहीं है कि एक सीमा तक उन्होंने पुरुषार्थ किया और फिर बोले भाई अब तो सब खड़ा कर दिया अब हम आराम से बैठ करके सबको केवल आशीर्वाद देंगे बाकी पुरुषार्थ करो ऐसा नहीं करते हैं वो जो यज्ञ उन्होंने शुरू किया है वो अंतिम श्वास तक उसमें श्रद्धा पूर्वक आहूति देते ही रहते हैं अपने जीवन को ही उन्होंने यज्ञ बना डाला है